स्वागत है आप सभी के हमारे शजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है शजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, मेरे पास आया है TVS कंपनी का BS6 वाला मॉडल, ABS वाला ब्रेक। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ABS का जो ब्रेक लाइट होता है वो हम लोग कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको बताते हैं, बाइक चलते चलते अगर हम लोग ब्रेक खींचते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक हार्ड हो जाता है, ब्रेक हम लोग खींच नहीं पाते हैं। और यहाँ जैसे कि हम लोगों का रिले पर किरकिर करके आवाज़ हो रहा है। तो सिंपल के तौर पर आप लोगों को दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन किया, चलो व्हील घुमाइए, इसी जगह पर हम लोगों का किरकिर आवाज़ आ रहा है। रुको, आपको माइक्रोफोन से दिखा रहा हूँ, चलो पीछे दबा मारो, जोर से घुमाओ, देखिए किरकिर किरकिर कर रहा है। ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, ब्रेक हार्ड हो गया ना, ब्रेक हार्ड हो गया, चलो व्हील घुमाओ, व्हील घुमाओ, ब्रेक खींचो, ब्रेक खींचो, पूरा ब्रेक हार्ड हो रहा है, ब्रेक लिवर बैठ नहीं रहा है। देखो घुमाओ घुमाओ, देखो ब्रेक लीवर हम लोगों का आया जाया कर रहा है और ऑटोमेटिक हार्ड हो जा रहा है। तो गाइस, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग क्या क्या चीज़ को देखें और जैसे कि ब्रेक भी ठीक हो जाए, तो कुछ तरीका आप लोगों को बताऊंगा। बट ये 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हाँ 90% हो सकता है। वो तरीका क्या मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, मैंने OBD भी लगाया, कोई भी हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है। तो कुछ कुछ बाइक में मैंने सिस्टम को ठीक किया है और कुछ कुछ बाइक में नहीं हो रहा है। तो 90% बाइक में जैसे कि होने का चांसेस है ठीक, और 10% नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमको हम लोगों का जो ABS कंट्रोलर है ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, इसका कारण ऐसा वर्क करता है। तो चलिए पूरा सिस्टम को हम जितना भी ऑयल वगैरह है, ब्रेक ऑयल, उसको खोलेंगे और जितना भी हम लोगों का सिस्टम है वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हवा वगैरह सब कुछ हम लोग फेलेंगे और नया हाली से हम लोग डिस्क का जो ब्रेक है सिस्टम उसे हम लोग यूज करेंगे। होने के बाद अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना हम लोगों को कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। तो चलिए किस तरह से हम लोग खोले डिस्क को लिया। सबसे पहले डिस्क आपको खोलना पड़ेगा, पिस्टन खोलना पड़ेगा, जितना भी ऑयल है ब्रेक ऑयल सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सो गाइस, सबसे पहले हम पिस्टन निकालेंगे। तो पिस्टन हम लोग अगर प्लास से खींचे तो नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा, तो कंप्रेसर से हम लोगों को पिस्टन को लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग जैसे कि ब्रेक खींचेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों का पिस्टन आ जाएगा। तो ये पिस्टन ज़्यादा आ गया है, तो अब उस पिस्टन को निकालना है। तो इसको हम लोग पकड़ के रखेंगे और हम लोग ब्रेक खींचेंगे, इसको आने नहीं देंगे और वो आ जाएगा। तो चलो अब वो ज़्यादा आ गया है, इसको फिर पकड़ के रखेंगे, ठीक है, फिर उस पिस्टन को निकालना है। तो गाइस, ब्रेक हम लोगों का फेल हो चुकी है, दिखाइए ब्रेक फेल हो चुकी है और नहीं आ रहा है। प्लास की मदद से हम लोग पिस्टन को निकालेंगे। बस कैलिपर को हमने खोल लिया है, अब हम सवाल है हम कंट्रोलर खोलेंगे और हम लोगों का जो मेजर किट वाला पंप है मास्टर पंप उसको खोलेंगे, ठीक है। तो चलो इसे भी खोल लेता हूँ गाइस। खोलते हैं, पूरा टाइट है, रुको, चलिए गाइस, यह है हम लोगों का कंट्रोलर। तो चलिए तैयारी करते हैं सफाई करने की। चलिए ओरिंग, तो गाइस सबसे पहला स्टेप है हम लोग जो कंट्रोलर है ABS कंट्रोलर
इसे वॉश करेंगे। तो हम लोग का इनपुट लाइन है ये आउटपुट है। तो हम लोग पेट्रोल डालेंगे यहाँ, अच्छी तरह से हम लोग सफाई करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो रिले है, ये रिले हम लोग ख़राब हो चुकी है, ठीक है, अच्छी तरह से हम लोग सफाई करेंगे। कचरा आ रहा है, आने दीजिए, सफाई करेंगे। हवा मारने का मशीन दीजिए, पहले हवा करेंगे थोड़ा। अब फ्रेश ऑयल भर रहा है, तो चलो फाइनल हवा मार लेते हैं। इसे वॉश कर लिया है, अब वॉश करने के बाद फीडिंग करूँगा। तो चलो हम लोगों का कैलिपर भी जंप है, कैलिपर भी सफाई कर लेते हैं और सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर को भी सफाई कर लेते हैं। करने के बाद आप लोगों को फिटिंग करके दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग फिटिंग करें। गाइस मैंने पूरा सब वॉश कर लिया है, अब एक तरह से फिटिंग करो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ओरिंग आप लोगों को सावधानी से रखना पड़ेगा, वॉश करने से पहले मैंने अलग से रखा था। तो चलो एक एक करके हम लोग फिटिंग करते हैं। जैसे कि ओरिंग को सबसे पहले हम लोगों को डालना पड़ेगा, तो ओरिंग डालने के लिए आप लोगों को एक साइड पर ओरिंग को डुकाना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक ओरिंग हम लोगों का लग जाएगा। जैसे कि लग चुकी है, मोटा वाला नीचे पतला वाला ऊपर। तो चलो सब ओरिंग को लगाते हैं। तो गाइस मैंने रबर लगा दिया है, अब हम लोग का जो दूसरा स्टेप है, हम लोग लगाएंगे पिस्टन का पिन। पिस्टन का पिन हम लोगों को लगाना है। पिन लग चुकी है, अब उसके बाद ये पत्ती, यहाँ लॉक देख लीजिए, लॉक ठीक से रहना चाहिए। चलो लॉक लगाते हैं। लगाने के बाद हम लोगों का ये रबर लगेगा, थोड़ा ग्रीस हम लगा देंगे कैलिपर पर। ये हम लोग का कैम्प्ट है, बस लगा दिया। ब्रेक शू लगाएंगे, तो चलो ब्रेक शू को लगा देते हैं। और ये ब्रेक शू लगाने से पहले आप लोग को कॉल पर लगाना है, जैसे कि सबसे नज़दीक। अगर नज़दीक ना लगाएंगे तो यहाँ हम लोग का ग्रुप है, और ग्रुप के यहाँ अगर ब्रेक शू लग जाएगा तो व्हील जंप करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को गौर करना है, साइड में एकदम लगाना है। तो चलो नट लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लगाने की तैयारी करते हैं, अब हम लोग कैलिपर यहाँ सेटिंग कर देंगे, ठीक है, कैलिपर यहाँ हम लोग फिटिंग कर देंगे। तो चलो कैलिपर को फिटिंग करते हैं, डिकेल सेंसर। तो चलो इसे भी हम लोग लगाने का तैयारी करते हैं। कैलिपर हम लोग कंप्लीट हो चुकी है, अब जाते हैं, जैसे कि हम लोग मास्टर सिलेंडर पंप लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे जो ए बी एस कंट्रोल यूनिट।
चलो इस नट को भी फाइनल टाइट करेंगे, ढीला नहीं रखेंगे। अगर यार लीक करेगा तो कंप्रेसर सही नहीं आएगा। तो गाइस पिस्टन बाद में लगाते हूँ, कूलर लगाएंगे, ABS कंट्रोलर में हम लोगों का इनपुट ये है और आउटपुट ये है। ये वाला जो पाइप है हम लोग का आएगा मास्टर सिलेंडर पंप से और ये जाएगा हम लोग का कैलिपर से, ठीक है, ये गौर करना। तो चलिए तो सबसे पहले इसे लगा देता हूँ, इस पाइप को जो हम लोगों का आउटपुट लाइन। अरे नॉट लगा रही, बस। तो गाइस अब कंट्रोलर का कपलर लगाते हैं, ठीक है, बस अब बाइक में काम है। अब हम लोग कंप्रेसर लाएंगे, तो कंप्रेसर लाने के लिए हम लोगों का एक तेल कंटेनर है, ये पाइप में लगाया। इस नट को ढीला रखेंगे, ठीक है, इस नट को ढीला रखेंगे जब तक यहाँ हम लोगों का वायल नहीं आ जाएगा, हम लोग वायल डालेंगे, ठीक है। और ये हम लोग का पंप भी अभी खुला रखा है, हवा थोड़ा यहाँ से भी हम लोग छोड़ेंगे। तो चलो थोड़ा इसे हम लोग इस तरह से करेंगे, हवा जो है ऑटोमेटिक चल जाएगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके वायल जाएगा और नीचे पाइप में हम लोग का स्टोम हो जाएगा। तो थोड़ा पाइप हम यहाँ से हवा छोड़ते हैं, आया जाया करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब तक यार नहीं वायल नहीं आ जाता है, हम लोगों को इस तरह से यहाँ थोड़ा ये करना है, वहाँ आने दीजिए, अभी वायल नहीं आया है। वायल ख़त्म हो चुकी है, वायल जा रहा है, वायल ज़्यादा करके डालना पड़ेगा। वहाँ हम लोग का तेज से आएगा, अब आ जाएगा, देखो आ चुकी है। अब हमारा पहला स्टेप है, हम लोग इस पाइप को लगा देंगे, क्योंकि हम लोग का जो वायल है वायल को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो जितना भी कंप्रेसर है हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। वायल ख़त्म हो गया है, फिर वायल डालेंगे। वायल ख़त्म होने दीजिए, बार बार हम वायल भरेंगे, ठीक है। देखो वायल ख़त्म हो रहा है, वायल ख़त्म हो गया है, वायल ख़त्म होने दीजिए। जितना भी हम लोगों का प्रेशर हवा है, हवा वायल के साथ चल जाएगा। अब गाइस कंप्रेसर हम टाइट करेंगे, ठीक है। तो चलो कंप्रेसर टाइट करते हैं किस तरह से। देखिए ये जो हम लोगों का रेंच है इसको हम लोग टाइट करेंगे, ठीक है, और फाइनल टाइट कर देंगे, बस। अब ब्रेक का कंप्रेसर देखो थोड़ा जाम हो रहा है, वाइल दीजिए। बस, थोड़ा हवा और भी है गाइस, चलो हवा को निकालते हैं। बस हम यहाँ लॉक लगा देंगे गाइस, कंप्रेसर आ चुकी है, लॉक लगा देंगे। तो गाइस फाइनल हम लोगों का हवा आ चुकी है और डिस्क ब्रेक हम लोगों का एकदम मस्त हो गया है। अब एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो चलो इग्निशन ऑन किया, इसको पकड़ के रखिए। अब जैसे कि ब्रेक लगाइए, व्हील घुमाइए, किलोमीटर तो उठ रहा है, घुमाइए। तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, देखो डिस्क ब्रेक हम लोगों का फिर भी जाम कर रहा है। तो आप लोगों को पहले ही बताया था कभी कभी क्या होता है, जो हम लोगों का कंट्रोलर है, ये ABS कंट्रोलर हम लोगों का ख़राब हो चुकी है, इसका कारण बाइक में डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है।
तो बाइक को तो फिलहाल अभी चलाना है और मार्केट में अभी कंट्रोलर नहीं मिल रहा है, कंट्रोलर का दाम 5000 के ऊपर है। तो गाइस हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का जो व्हीकल सेंसर है, स्पीड किलोमीटर का सेंसर, उसे हम लोग खोल डालेंगे, ठीक है। तो चलो इस सेंसर को हम लोग खोल देंगे और बाइक का जो प्रॉब्लम है ब्रेक का वो अभी तक सॉल्व हो जाएगा, बट ABS काम नहीं करेगा और हम लोगों का किलोमीटर भी काम नहीं करेगा, लेकिन ब्रेक काम करेगा। तो चलो फिर हम टेस्टिंग करते हैं, व्हील को घुमाइए, व्हील को घुमाइए। तो ब्रेक हम लोगों का सही है, बस बस बस। तो गाइस अभी ब्रेक भी हम लोगों का सही है और कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने स्प्रिट का कनेक्शन का तार खोल दिया, किलोमीटर नहीं उठेगा बट ब्रेक चलेगा। मैं कस्टमर को बोल दूंगा ये कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, लगाने का बाद ही ABS काम करेगा और किलोमीटर काम करेगा। तो गाइस यही था वीडियो, वीडियो में हमने आपको असलियत बताया और आप लोगों को बताया कि कंट्रोलर कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसका कारण भी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो गाइस यही था हमारा वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीव भाई गुरु के साथ।